हेलो बच्चों बच्चों, ये वीडियो इसलिए है कि कई बच्चे क्लास 12 फिजिक्स के जो है वो सेमीकंडक्टर को लेके थोड़ा कंफ्यूजन में थे कि क्या कोर्स में है इस बार और क्या कोर्स में नहीं है, और दूसरी बात वो ये जानना चाह रहे थे कि इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ें। तो मैं ये बहुत अच्छी तरह आपको बताऊँगा कि सेमीकंडक्टर को जो कि बोर्ड में जो वेटेज है इसका वो 7 मार्क्स का है बेटा, तो 7 नंबर यानी 70 नंबर का पेपर है, तो 7 नंबर का सेमीकंडक्टर आएगा। और विश्वास कीजिए ये 7 नंबर आपके लिए ही हैं, ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं कि 7 नंबर आपको इस चैप्टर से ना मिलें। जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, उसको ध्यान करके आप समझ लें और आपका काम हो जाएगा। साथ में एक अपील और है कि और सपोर्ट के लिए आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, बहुत कुछ आपको आपके सपोर्ट के लिए अवेलेबल है और लगातार हम उसमें अपडेट भी करते जा रहे हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ आपके बेटा सिलेबस की कि सेमीकंडक्टर में सिलेबस में क्या है, और साथ में यहाँ पे मैं फ़ोटो भी उसकी लगा दूंगा जिससे जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सिंक्रोनाइज कर पाएँ साफ तौर पर। तो देखिए बेटा, इसमें 7 नंबर का वेटेज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूनिट नंबर 9 चैप्टर नंबर 14। इसमें जो सिलेबस में है वो एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, फिर है सेमीकंडक्टर डायोड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, डायोड एज ए रेक्टिफायर ये भी कोर्स में है, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल पर्पस में आप जीनर डायोड पढ़ते हैं, एलईडी फोटो डायोड सोलर सेल एंड जीनर डायोड देखिए लिखा हुआ है एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इतनी चीज़ कोर्स में है, कोर्स में क्या नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो देखिए, लॉजिक गेट्स एकदम नहीं है, लॉजिक गेट्स थे ना एंड गेट और गेट वगैरह वगैरह, कंप्यूटर में कई बच्चे पढ़ते भी हैं, तो लॉजिक गेट अब नहीं रह गए, टेंशन ना लीजिए आप। दूसरी बात, ट्रांजिस्टर पूरा हट गया है। ट्रांजिस्टर जब पहले था तो उसमें कई बातें आपको पढ़नी पड़ती थी, लेकिन ट्रांजिस्टर पीएनपी जंक्शन बोल दें या एनपीएन जंक्शन बोल दें, सब कुछ हट गया है। तो केवल इतना ही कोर्स में है, ट्रांजिस्टर पूरा हट गया। तो ये चैप्टर जिसमें केवल इतना मटेरियल है, ये काफ़ी आसान हो गया है। और इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको टिप्स की तरह भी दे देता हूँ जिससे आप अच्छे से कर पाएँ। तो आप समझ गए होंगे कि लॉजिक गेट्स नहीं पढ़ना है, ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है जो मैंने बोला वो इतना ही पढ़ना है। और आपको पहले से पता है ही कि फिजिक्स में कम्युनिकेशन चैप्टर भी आउट ऑफ कोर्स है सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से 2020 के, कई स्टेट बोर्ड्स में हो सकता है लेकिन सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो 2020 के एग्जामिनेशन के लिए कम्युनिकेशन चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, और साथ में ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया ट्रांजिस्टर एंड क्या बोलना चाहिए उसको लॉजिक गेट्स, ये दोनों बातें किनारे लग चुकी हैं। अब बात करते हैं कि जो मटेरियल हमारे पास है जो कोर्स में है वो 7 मार्क्स का आएगा, उसको किस तरीके से हम हैंडल करें जिससे आराम से नंबर मिल जाएं, और मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए क्या लाया हूं क्लास 12 फिजिक्स का, वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मदद होगी, बहुत ही सॉलिड मदद। तो बात करता हूं कि सेमीकंडक्टर चैप्टर को कैसे आप हैंडल करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो बेटा देखते हैं हम लोग कि सेमीकंडक्टर में जो पॉइंट मैंने बताए थे उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, जो सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशंस पहले आते हैं कि कई तरह के क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे, होल्स वगैरह की थ्योरी आती है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, और होल क्या होता है ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। सारे लेक्चर्स मेरे मौजूद हैं, आप ऐप पे भी देख सकते हैं लेके, और वैसे भी समझदारी रखिए, अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात देखते हैं, एनर्जी बैंड्स की बात करते हैं जिसमें एनर्जी गैप वगैरह की बात की जाती है, ये एक पार्ट है पूरे चैप्टर का, पता होना चाहिए कि एनर्जी गैप में अगर एनर्जी गैप का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा गैप आ जाए तो पता लगा इंसुलेटर बन जाता है, सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का एनर्जी गैप होना चाहिए, मेटल्स में तो मिल जाता है आपस में, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड था ना ये सब, तो ये एनर्जी बैंड्स की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसी में देखिए, सेमी क्लासिफिकेशन में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात आ जाती है, तो एक्सट्रिंसिक में आप जानते हैं डोपिंग करनी पड़ती है, तो वो डोपिंग ओपिंग क्या होता है,
पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, ये बातें आप समझ लीजिए। और विश्वास कीजिए, अगर आप मन से पढ़ेंगे तो चैप्टर दो दिन में समाप्त हो जाएगा आपका, अगर आप आपने पकड़ रखा है कि मुझे ख़त्म करना है। और सात नंबर आपके बन जाएंगे अगर अच्छी तरह मन से पढ़ाई करते हैं तो, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। बात करते हैं पीएन जंक्शन की, तो पीएन जंक्शन डायोड जब बनता है तो देखिए कई टर्म आते हैं जब वो जंक्शन बनता है, सब मैंने बड़े अच्छे समझाया, आप मुझसे भी समझ सकते हैं चाहे तो, या अपने टीचर से पढ़े होंगे तो वहाँ से भी काम हो जाएगा, या खुद भी पढ़ सकते हैं आप, कहीं से भी पढ़े आना चाहिए आपको। डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, ये सारी बातें, बहुत सारे टर्म उसमें आते हैं, तो ये पता होना चाहिए क्योंकि एक नंबर के भी सवाल बड़े आने वाले हैं, तो इस तरीके से आप चीज़ें कर पाएँ। VI करेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड की, ये आप देख सकते हैं कि क्या VI करेक्टरिस्टिक का सिंपल मतलब होता है कि अगर V बदल रहे हैं तो I पे क्या असर पड़ेगा, यही VI करेक्टरिस्टिक होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि V चेंज करते जाएं तो I पे क्या होगा। और इन बातों को आप समझ लीजिए, फिर और देखिए क्या सरल बातें। पीएन जंक्शन का फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसी में फिल्टर सर्किट भी आ जाता है बेटा, आप समझते होंगे फिल्टर सर्किट दो तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग इसके अंदर। तो आप पीएन जंक्शन में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाई कर रहे हैं ना, किस चीज़ को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो एसी होती है उससे डीसी बना लेते हैं। तो एसी में ये मैं डिटेल पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप तो समझ ही रहे हैं, एसी में अगर इस तरीके से वेव बनती हैं तो आपको इस तरह की वेव इसमें मिलने लगती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। अभी पल्सेस ना मिले जो एसी प्रॉपर्टी है उसको भी हटाने के लिए फिल्टर सर्किट यूज़ कर लेते हैं, जैसे चाय से चाय पत्ती छानते हैं वैसे इसमें से एसी वाली जो प्रॉपर्टी है उसको छान के बाहर कर देते हैं, डीसी शुद्ध मिल जाती है। कोई मज़ेदार चीज़ें हैं, बड़े आसानी समझ जाएंगे आप। तो ये पीएन जंक्शन डायोड, आप फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट आराम से समझ सकते हैं, बहुत प्यारे ढंग से समझ सकते हैं। जीनर डायोड, तो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ होता है, आपको मालूम ही है, तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ये यूज़ होगा। वोल्टेज रेगुलेटर क्या है भाई, ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो भी घर में वोल्टेज ना बढ़े, कम वोल्टेज आ जाए तो भी घर में वोल्टेज ना बढ़े। साथ में ये रिवर्स बायस में हमेशा यूज़ किया जाता है, रिवर्स बायसिंग में, तो रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग भी आपको मालूम ही है, कोई विशेष बात नहीं, तो रिवर्स बायस में यूज़ होता है ये भी पता होना चाहिए। फिर इसके कुछ एप्लीकेशन या डिवाइसेस, फोटोडायोड, तो फोटोडायोड भी देखिए कितनी, ये फोटोडायोड वगैरह क्या है यार, अब बैंक में जाते नोट गिनने वाली मशीन होती है उसमें इस्तेमाल होता है उसका यार, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। नोट गिनने वाली मशीन देखे होंगे ना, 100 नोट लगाए, 100 हैं कि 90 हैं कि 95 99 है, फोटोडायोड पे ध्यान से पढ़िए मज़ा आ जाएगा आपको। LED, अरे LED तो घरों में लगी होती है भाई, हम लोग यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते होंगे, कैसे काम करती है समझ लीजिए, बिल्कुल आसान चीज़ है, आराम से मज़ा आएगा। सोलर सेल, वो ज़माना हो गया सोलर सेल का, तो सोलर पैनल का डिस्कशन गवर्नमेंट करती ही लगाना चाहिए, वो भी सीख लीजिए। इतना ही आपको पढ़ना है, और इतने पढ़ने पर ये दो दिन का मटेरियल मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्यार से पढ़ने को आ जाएं तो बड़े आराम से, और इसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं इनके रेजिस्टेंस निकालने के लिए डायोड पे, डायनेमिक रेजिस्टेंस और डीसी वाला रेजिस्टेंस, एसी और डीसी वाला, डीसी वाला उसी पॉइंट पे निकलता है V/I, और जो एसी वाला है वो डेल्टा V/Δi कह लीजिए आपको। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब मैं बात करता हूँ ना कि इसको पढ़ने का इन डिटेल, ये जो चीज़ मैंने बताई है, मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के लिए क्या सपोर्ट ऑफर कर रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं, देखिए बेटा जैसे मैं बात कर रहा था कि फ्री सपोर्ट आपको क्या मिलेगा क्लास 12 की फिजिक्स पे, आपके लिए इतना ही मजबूत होगा। देखिए आप किसी भी चैप्टर को या फिजिक्स को तैयार करते हैं तो तीन मेजर चीज़ें होती हैं उसके अंदर, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। एक तो होते हैं की नोट्स, जिसे आप समरी नोट्स के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे क्या क्या पॉइंट इसके अंदर है ये आपकी समझ में आ जावे। दूसरी हम लोग बात करते हैं तो डेरिवेशंस, इसके लिए बहुत बच्चों ने मुझे लिखा था कि सर पूरे किताब के डेरिवेशंस हमको मिल जाएं, क्योंकि डेरिवेशंस एग्ज़ाम में 29-30 नंबर के आते हैं, तो पकड़ तो बने कम से कम डेरिवेशन में, प्रैक्टिस किए होंगे तो कर देंगे। और तीसरी बात जिसे बोलते हैं फार्मूला, तो सारे चैप्टर के फार्मूला भी आपके पास होने चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये की नोट्स, डेरिवेशंस, फॉर्मूले, इन सबका चैप्टर वाइज आपके लिए PDF बना के अरविंद एकेडमी ऐप में अपलोड कर दिया है। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टडी मटेरियल सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट उस
इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिए। और आपकी सुविधा के लिए क्या किया है कि की नोट्स चैप्टर वाइज के साथ साथ एक शीट में सारे की नोट्स भी डाल दिए हैं, जैसे एक एक ही शीट में सब कुछ मिल जाए आपको। आप उसको समझना चाहें, याद करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ डेरिवेशन में की है कि चैप्टर वाइज भी आपको दिया है बेटा, डेरिवेशन चैप्टर वाइज भी मिलेगा और इन्हें सिंगल शीट भी आपके लिए ऑफर कर दी है। जैसे कई बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, घोटा लगाना चाह रहे हैं, नंबर तो चाहिए, तो कि सच्चाई से इनकार नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझें आप, लेकिन 40-45 दिन में समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? छोड़ना तो नहीं बेटा। तो डेरिवेशंस आपको करने जो आते हैं तो उसको आप प्रैक्टिस कर डालिए, याद कर लीजिए। मैं तो कहूँगा, कहना तो नहीं चाहिए, समझना ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम में नंबर भी तो लाने ज़रूरी हैं। तो आप बिल्कुल सिंगल शीट लेके प्रैक्टिस जमा के कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। साथ में फॉर्मूला चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूले भी दे दिए गए हैं और इन्हें सिंगल शीट फॉर्मूला भी दे दिया, सारे फॉर्मूले एक ही शीट में, वो भी फॉर्मूले याद कर लीजिए। विश्वास कीजिए, अगर सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको याद हैं तो देयर इज़ ए वेरी फेयर चांस कि 7-8 नंबर फॉर्मूला आपका बढ़ा को दे देगा। आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, उसमें फॉर्मूले ही लिख दीजिए, आधा नंबर तो मिल जाएगा फॉर्मूला लिखने का। आप समझ पा रहे होंगे। इसके साथ साथ आपको अरविंद एकेडमी ऐप में पूरा सिलेबस मिल जाएगा बेटा। 2020 के लिए क्या सिलेबस है, एक जगह कर दिया है जिससे आपको तकलीफ ना हो, सब फ्री है। और जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स, ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई भी बच्चा जब किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करता है तो पिछले सालों के पेपर तो लगाते ही लगाता है, तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर भी आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और साथ में जो सैंपल पेपर रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ने, सीबीएसई बोर्ड ने, वो भी आपको मिल जाएगा सैंपल पेपर। ये सब कुछ आपके लिए फ्री है। मैं और मेरी टीम आपकी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं और आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो देखिए, 1, 2, 3 ये तो कमाल है, आपके साथ एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 4th, 5th, 6th और कुछ बोला हो तो याद नहीं आता। 6 चीज़ें अगर आपके हाथ में है और आप पढ़ने को तैयार हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपना आप फ़ायदा कर सकते हैं। और ऊपर से अरविंद एकेडमी ऐप में डायरेक्ट चैट कर सकते हैं मुझसे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चैट सेक्शन भी वहाँ अवेलेबल है, चैट कीजिए और बताइए आपको क्या समस्या और क्या चीज़ें और सपोर्ट में चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम का होगा, ये हेल्प आपको मदद करेगी। आप और भी क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या सपोर्ट आपको चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। क्लास 10th वाले बच्चे भी सपोर्ट के लिए बात करें, मैं भी उनको सपोर्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।